सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज जेरार्ड एंड यू आर वाचिंग जेरार्ड गुम। सो आज मैं आ गया हूँ एसपीएल किया पे, जो कि सिचुएटेड है सेंट्रल कोलकाता में। सो अगर आपको कोई भी किया का गाड़ी चेकआउट करना है, आप ये शोरूम पे जरूर आ सकते हो। सो आज जो गाड़ी में मैं बैठा हूँ वो है 2024 किया सोनेट का फेसलिफ्ट, और ये जो वेरिएंट है ये आपका एचटी के प्लस वेरिएंट है, मतलब आप बोल सकते हो मिड वेरिएंट आप बोल सकते हो, क्योंकि बेस वेरिएंट एचटी ही है, फिर एचटी के और फिर एचटी के प्लस। सो इन माय ओपिनियन गाइस ये जो वेरिएंट है ना काफी वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप मतलब अगर आप बिटवीन 10-11 लाख का आपका बजट है, तो इसका जो प्राइस है आपके स्क्रीन पे तो आ जाएगा, सो आप देख के एक आइडिया बना सकते हो। बट ये वेरिएंट भी काफी मतलब एकदम फीचर पैक्ड है। सो क्या क्या आपको मिल जाता है वीडियो जरूर देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। सो गाइस और वेट नहीं करते और वीडियो शुरू करते हैं। सो एचटी के प्लस के एक्सटीरियर के बारे में अगर बात करूं गाइस, आप लोगों को पता है नया जो सोनेट है इसका जो सामने का जो लुक है, ये हेडलाइट यूनिट और इसका जो बम्पर है अभी और भी एग्रेसिव हो गया है। सो एचटी के प्लस का जो एक्सटीरियर है यहाँ पर आप देख सकते हो, सामने आपको सैटिन क्रोम पे ये टाइगर नोज ग्रिल मिल जाता है, या ये पूरा आपको यहाँ पर नर्ल्ड फिनिश मिलता है, काफी प्रीमियम है। यहाँ पर आपको सामने ग्लॉस ब्लैक में ग्रिल मिल जाता है, यहाँ पर भी बहुत सारा शार्प एजेस आपको मिल जाता है। यहाँ पर हेडलाइट यूनिट के बारे में अगर बात करूं गाइस, ये जो एचटी के प्लस वेरिएंट है यहाँ पर आपको हैलोजन सेटअप में लाइट मिलता है, एज यू कैन सी आपका लो बीम है या आपका हाई बीम है। यहाँ पर आपको डीआरएल तो वही जगह में ही मिलता है, बट यहाँ पर आपको कोई इंडिकेटर नहीं मिलता है डीआरएल पे, इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिल जाता है एज यू कैन सी हैलोजन फिनिश में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिकेटर यहाँ पर है। बट इस वेरियंट का एक जो खासियत है वो है कि इस वेरियंट पर आपको एलईडी में फॉग लाइट्स भी मिल जाता है एज यू कैन सी। तो यहाँ पर आपका हेडलाइट हैलोजन है, बट यहाँ पर आपको फॉग लाइट्स एलईडी में मिल जाता है। सामने आपको चार पार्किंग सेंसर मिलता है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, एंड उस तरफ आपको दोनों मिल जाता है। नीचे का जो पार्ट है इसका जो फ्रंट बम्पर का, ये आपको ग्लॉस ग्रे कलर में मिल जाता है, सो काफी अच्छा है। सो सामने का जो लुक है आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, नया जो सोनेट का लुक है आपको कैसा लगा, काफी एग्रेसिव है। पहला जो प्री फेसलिफ्ट सोनेट आता था उससे तो बहुत ही एग्रेसिव है। कमिंग टू द साइड ऑफ द कार का साइड उस तरफ से जाता हूँ, यहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक है। सो कमिंग टू द साइड ऑफ द कार, ये कुछ साइड प्रोफाइल है सोनेट एचटी के प्लस वेरियंट का। सो टायर्स के बारे में अगर बात करूँ गाइस, यहाँ पर आपको लगेगा कि ये अलॉय फिनिश है, बट ये अलॉय नहीं है गाइस, ये आपका स्टाइल व्हील है। यहाँ पर आपको व्हील कैप्स मिल जाता है, सामने आपको डिस्क ब्रेक मिलता है एबीएस सीवीटी के साथ। सस्पेंशन ट्रैवल काफी अच्छा, आपको कोई भी दिक्कत ये गाड़ी नहीं देगा क्योंकि ऑब्वियसली एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है। यहाँ पर आपको मिलेगा आपका ओआरवीएम्स विद एलईडी टर्न इंडिकेटर्स, एंड ये आपको ऑटो फोल्डेबल है। आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है सिर्फ ड्राइवर साइड पे, आपको को पैसेंजर साइड में नहीं मिलता है। गाड़ी का जो बी पिलर है ये आपको मिलेगा मैट ब्लैक पे। ऊपर आपको इस वेरियंट पे कोई सनरूफ नहीं मिलेगा, बट आपको अगर सनरूफ चाहिए एचटी के प्लस वेरियंट पे, देन आपको 6 स्पीड का जो टर्बो आईएमटी वेरियंट आता है वो आपको खरीदना पड़ेगा। कमिंग टू द रियर सेक्शन ऑफ द कार गाइस, पीछे आपको एचटी के प्लस वेरिएंट पे ड्रम ब्रेक मिल जाता है, एचटी एक्स से आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। एचटी एक्स का वीडियो मैंने बनाया है सर, आपको देखना है आई बटन पे आ जाएगा, बट यहाँ पर आपको पीछे ड्रम ब्रेक मिल जाता है। टायर का प्रोफाइल सेम है 215/60 R16। कमिंग टू द रियर सेक्शन ऑफ द कार गाइस, यहाँ से एज यू कैन सी पीछे का जो हुलिया है पूरा चेंज हो गया है। यू गेट दिस कनेक्टिंग टाइप टेल लाइट ओवर हियर, जिसे किया बोलते हैं स्टार मैप स्टाइल एलईडीज। यहाँ पर आपका ब्रेक लाइट और पार्किंग लाइट आपको एलईडी में मिलता है। टर्न इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट आपको हैलोजन में मिल जाएगा। रिवर्स लाइट का प्लेसमेंट अभी आपको यहाँ पर मिल जाता है एज यू कैन सी। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पर मिल जाता है, एंड पीछे आपको दो सेंसर मिलता है, एक यहाँ पर है एंड एक आपको इस तरफ मिल जाएगा। जो जीटी लाइन है, जीटी लाइन से आपको चार पार्किंग सेंसर मिलता है, एंड उसका जो लोअर वेरियंट है उसमें आपको दो पार्किंग सेंसर ही मिलता है। पीछे आपको यहाँ पर डिफॉगर मिलता है विद हाईमॉन स्टॉप लैम्प, बट आपको कोई वाइपर नहीं मिलेगा। बूट अगर हम लोग ओपन करेंगे गाइस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर है। सो बूट में आप एक चीज नोटिस करेंगे, आपको कोई पार्सल चार्ज नहीं मिलेगा और कोई 60-40 स्पीड आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर जो हेडरेस्ट है ये आपको फिक्स्ड मिलता है। यहाँ पर आपको कोई लाइट नहीं मिलता है गाइस, सिर्फ आपको एक प्लेसमेंट है, आप लाइट लगवा सकते हो, और यहाँ पर आपको हुक मिल जाता है एज यू कैन सी। सो बूट स्पेस का जो इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, अराउंड 385 लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिलता है। सो ये तो था गाइस बूट के बारे में, अभी चलते हैं गाइस रियर सीट पे। सो रियर डोर अगर मैं ओपन करूँ, अंदर में आप देख सकते हो फुल ब्लैक इंटीरियर आपको मिलता है, कंपनी फिटेड सनब्लाइंड भी आपको प्रोवाइड किया है किया ने, सो दैट इज प्रीटी गुड। एंड यहाँ पर आपका पावर विंडो का स्विच है, नीचे आपको स्पीकर का प्लेसमेंट और एक बॉटल होल्डर दिया गया है। सीट्स के बारे में अगर बात करूँ गाइस, मैंने आपको बोला था एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको नहीं मिलता है, फैब्रिक सीट्स आपको मिलता है फुल ब्लैक फिनिश में, एंड यहाँ पर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स आपको दिया गया है फ्रॉम किया। सो कमिंग टू द इंटीरियर गाइस, डोर्स करते हैं बंद, एंड लेगरूम के बारे में अगर बात करूँ गाइस, ये जो सीट है दिस इज इन अ मीडियम पोजीशन, बट मेरा जो लेगरूम है मेरे लिए तो काफी है, बट अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो रियली गुड। बट अगर ये सीट एकदम पीछे हुआ है ना, देन लेगरूम में थोड़ा सा दिक्कत होता है इस गाड़ी में, क्योंकि वेन्यू और सोनेट ये दो गाड़ी है जहाँ पर मतलब ये लेगरूम में थोड़ा सा दिक्कत होता है। बीच में आपको यहाँ पर डुअल एसी वेंट मिल जाता है विद दिस नॉल्ड फिनिश ओवर हियर, काफी प्रीमियम है। दो यूएसबी टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। गाड़ी के चौड़ाई के बारे में अगर बात करूँ गाइस, दो बंदे के लिए तो गाड़ी ठीक है, तीन बंदे इस गाड़ी में थोड़ा प्रॉब्लम होगा,
क्योंकि ये जो सोनेट है ज्यादा वाइड गाड़ी नहीं है। ऊपर आपको यहाँ पर हैलोजन में रीडिंग लैंप मिल जाता है, यहाँ पर आपको मिलेगा एक डोर हैंडल बट कोई हुक नहीं है, एंड यहाँ पर आपको मिलेगा हुक के साथ डोर हैंडल। सो रोनांशु हाई सपोर्ट एंड जो नीडू है अच्छा है, आई एम ऑलमोस्ट 5'7" और मुझे यहाँ पे कोई भी तकलीफ नहीं, और हेडरूम तो आप लोग देख सकते हो। हाँ, हेडरूम इज वेरी गुड, मैं मेरा भी दिखा दूंगा आपको। एंड सीट्स का मतलब इस बजट के हिसाब से सीट्स उतना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग सीट्स यहाँ पे नहीं है, ठीक है, मतलब उतना ज्यादा थकावट नहीं आएगा लॉन्ग ट्रिप्स पर अगर कोई जाता है। इंटीरियर तो आप लोग देख ही सकते हो प्रीमियम है, ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे कोई भी कंप्लेंट नहीं है अबाउट दिस कार, तो ठीक है। यहाँ पे एसी वेंट दिया गया, तो और सबसे अच्छी बात यहाँ पे लोअर वेरिएंट्स होने के बावजूद भी यहाँ पे दो आपको सी टाइप पोर्ट मिलता है, फास्ट चार्जिंग पोर्ट दिया गया, तो दैट इज गुड, दैट इज गुड ऑब्वियसली। सो रोनांशु का थम्स अप ही है एट द बैक, सभी मेरा हेडरूम बोल देता हूँ आपको। सो मेरे लिए भी हेडरूम भाई काफी अच्छा है, मेरा हाइट अराउंड 6 फीट है, एंड ओवरऑल सीट का जो क्वालिटी है वो भी काफी अच्छा है, बट मेरा एक छोटा सा कंप्लेंट है वो है कि आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको एचटी के प्लस में नहीं मिलता है, एचटी एक्स से आपको मिलेगा। सो आप ध्यान रखिए अगर आप बुक करने जा रहे हो सोनेट, सो मेरा वही छोटा सा एक कंप्लेंट है, उसको छोड़ के हाँ सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। सो ये तो था गाइज रियर सीट का फंडा, अभी चलते हैं सामने। सो सामने का लुक कुछ ऐसा है, सो क्या क्या आपको मिल जाता है सामने मैं अभी जाके आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस फ्रंट डोर अगर मैं ओपन करूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला था रिक्वेस्ट सेंसर आपको ड्राइवर डोर के साइड पे मिलता है। सो इंटीरियर अगर हम लोग देखेंगे गाइस, यहाँ पर आपको फुल ब्लैक इंटीरियर मिलता है, कहीं भी आपको लेदर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा इस वेरिएंट पे। यहाँ पर आपको सब ओआरवीएम का कंट्रोल्स एंड सब पावर विंडो का कंट्रोल्स दिया गया है, ट्विटर प्लेसमेंट यहाँ पर है, स्पीकर प्लेसमेंट मिल जाता है, यहाँ पर एक बॉटल होल्डर है, एंड यहाँ पर आपको एक अम्ब्रेला होल्डर दिया गया है। सो कमिंग टू द सीट्स गाइस, सीट्स आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, एंड ओवरऑल साइड बोल्स्टरिंग जो है ना काफी अच्छा है, मुझे कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है। एंड यहाँ पर आपको फैब्रिक फिनिश मिलता है सीट्स पे। एक चीज आप नोटिस करेंगे, आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा, वो आपको जीटी लाइन से मिलता है। यहाँ पर आपको मिलेगा हाइट एडजस्ट, बैकरेस्ट एडजस्ट, और यहाँ पर आपको लीवर मिलेगा आगे पीछे पुश करने के लिए। यहाँ पर कुछ बटन है गाइस, ये आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन है, ये आपका सामने का जो पार्किंग सेंसर है वो आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ऑटो आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, यहाँ पर आपको हेडलैम्प लेवलिंग डिवाइस दिया गया है। सो चलिए गाइज अभी बैठते हैं अंदर, एंड एक बार एचटी के प्लस का इंटीरियर चेकआउट कर लेते हैं। सो डोर्स करते हैं बंद, एंड लेट्स जस्ट टर्न ऑफ द एसी। सो इंटीरियर के बारे में अगर बात करूं गाइज, यहाँ पर आपको फुल ब्लैक इंटीरियर मिलता है। सो एज यू कैन सी सब जगह हार्ड टच प्लास्टिक है, कहीं भी आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा। यहाँ पर ग्लव बॉक्स में आपको स्पेस अच्छा खासा मिलता है, लाइट भी मिल जाता है एज यू कैन सी, बट कोई कूलिंग फंक्शन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो टच स्क्रीन है 8 इंच का टच स्क्रीन जो हुंडई और किया दोनों में आपको मिलता है, सो ये काफी अच्छा स्क्रीन है, आप लोगों को पता है क्योंकि कोई लैग नहीं है इसमें। बट हाँ, इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिलता है, जो कि आपका जो 10 इंच का सिस्टम है उसमें आपको नहीं मिलता है। सो ये काफी फनी चीज है जो किया और हुंडई दोनों करते हैं, कि इसका जो लोअर वेरिएंट है उसमें वायरलेस देते हैं, टॉप वेरिएंट में वायर्ड देते हैं, बट इसका जो रिस्पॉन्स है ना भाई काफी काफी अच्छा है, सो दैट इज प्रीटी गुड। सो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पर आपको ऑटो एसी का सब कंट्रोल्स मिल जाता है एज यू कैन सी, एंड यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले मिल जाता है, एसी का सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखा देता है, हैजर्ड लाइट का स्विच है। सो ये जो पार्ट है ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है बिटवीन दिस एंड द प्री फेसलिफ्ट मॉडल। यहाँ पर आपको एक शेल्फ मिल जाता है एज यू कैन सी, एंड यहाँ पर भी आपको एक पॉकेट मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट है, यूएसबी टाइप ए का पोर्ट है, यूएसबी टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट है। यहाँ पर ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आप देख सकते हो यहाँ पर। सो गियर शिफ्ट काफी अच्छा है एज यू कैन सी, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका रिवर्स गियर भी एक बार देख लेते हैं। सो रिवर्स कैमरा आप देख सकते हो, क्वालिटी काफी अच्छा है, एडेप्टिव गाइडलाइंस भी आपको दिया गया है। सो रियली रियली गुड क्वालिटी कैमरा यहाँ पर आप देख सकते हो, मिलेगा आपको दो कप होल्डर्स विद अ हैंड ब्रेक ओवर हियर, एंड यहाँ पर आपको मिलेगा एक आर्मरेस्ट विद सम स्पेस ऑन द इनसाइड। ऊपर अगर हम लोग देखेंगे आपको मिलेगा एक मैनुअल डिमिंग आईआरबीएम, सनग्लास होल्डर है यहाँ पर, वाइजर में आपको मिलेगा मिरर बट कोई लाइट नहीं है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो आपको मिलेगा एक टिकट होल्डर, कोई मिरर या लाइट आपको नहीं मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील आपको भाई नॉर्मल सा मिलता है, कोई डी कार्ड आपको नहीं मिलेगा, वो आपको एचटी एक्स वेरिएंट से मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा आपका एमआईडी कंट्रोल करने का बटन, और यहाँ पर आपको मिलेगा सब टेलीफोनी और इंफोटेनमेंट सिस्टम का कंट्रोल्स। हॉर्न का रिस्पांस एक बार देख लेते हैं, सो हॉर्न आपको ट्रम्पेट हॉर्न मिलता है, सो काफी अच्छा है, नॉर्मल जो किया के हॉर्न आते हैं वही है। यहाँ पर आपको मिलेगा आपका वाइपर का कंट्रोल्स, और यहाँ पर आपको मिलेगा आपका हेडलाइट का कंट्रोल्स, ऑटो हेडलाइट्स आपको मिल जाता है। सो हैलोजन हेडलाइट्स है गाइस, ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। यहाँ पर अगर एमआईटी देखेंगे, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, अगर आप पुराना आपने सोनेट देखा है देन इसमें और उसमें कोई डिफरेंस है नहीं। सो यहाँ पर आपका डिजिटल एक स्पीडोमीटर है, टैकोमीटर है, फ्यूल लेवल, यहाँ पर आपका टेम्परेचर लेवल है। सो ये जो स्क्रीन है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सो गाइस एज यू कैन सी, सो सिंस रिफ्यूलिंग, टायर प्रेशर, सो यहाँ पर सब इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। सो काफी अच्छा स्क्रीन है, बट अगर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चाहिए देन तो भाई आपको जीटी लाइन में जाना पड़ेगा, सो कीप दैट इन माइंड। ओवरऑल विजिबिलिटी काफी अच्छा आप देख सकते हो, अभी मैं रोड पे ही हूँ, सो आप देख सकते हो ये कुछ रियल लाइफ सिनेरियो है सोनेट का। सो कोई भी विजिबिलिटी में आपको दिक्कत होगा नहीं। इसका मिरर्स भी एक बार खोल लेते हैं, सो मिरर्स का भी एक बार
रिस्पॉन्स देख लेते हैं, तो काफी अच्छा ही आपको विजिबिलिटी देता है साइड पे, पीछे का भी विजिबिलिटी काफी अच्छा आप देख सकते हो, एंड उस साइड का भी विजिबिलिटी आप एक बार चेकआउट कर लीजिए, काफी काफी अच्छा है। सो गाइज, ये था मेरा डिटेल्ड इंटीरियर रिव्यू ऑफ द 2024 किया सोनेट HTK प्लस वेरिएंट, जो कि मेरे हिसाब से काफी एक मतलब अच्छा वेरिएंट है, वैल्यू फॉर मनी भी है, सो दैट इज प्रीटी गुड। और एक जो अपडेट हुआ है इस गाड़ी में वो है कि आपको बेस मॉडल से 6 एयरबैग्स मिल जाता है। सो सामने दोनों तरफ आपको एयरबैग्स मिलता है, साइड एयरबैग्स है, एंड यहाँ पर आपको कर्टन एयरबैग्स मिल जाता है एज यू कैन सी। सो सेफ्टी के मामले में किया हैज डन अ वेरी वेरी गुड जॉब। सो गाइज, ये तो था मेरा वीडियो आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मतलब ये इंटीरियर रिव्यू पसंद आया, देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक, बिकॉज इट विल रियली हेल्प द वीडियो एंड ऑल्सो द चैनल। सो गाइज, आज के लिए वीडियो इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक, विच इज द थम्स अप, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो गाइज, क्योंकि ये जो, जैसे कि मैंने आपको बोला था वीडियो के शुरुआत पे, कि ये जो HTK प्लस वेरिएंट है ना, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दिस इज अ वेरी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, क्योंकि आपको जो जो चाहिए ये गाड़ी प्रोवाइड कर देता है। हाँ, अगर आपको एडास वेडास चाहिए, देन तो भाई आपको GT लाइन या X लाइन पे जाना पड़ेगा, बट फॉर मोस्ट पीपल दिस इज अ वेरी गुड फॉर वेरी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, जैसे मैंने आपको बोला, आप जरूर शेयर कर दीजिए, लाइक भी जरूर कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपके साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन चाओ।